हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉगर पूजा में। और अभी मैं निकल चुकी हूँ डाक बंगला चौराहा के लिए। रीजन बस एक छोटा सा है, कल मैं गई थी वीडियो बनाने के लिए डाक बंगला चौराहा पे, तो वहाँ पे मैं अपना कीमती चीज़ छोड़ आई, हेडफोन वहाँ छोड़ आई। और मुझे रात को वीडियो एडिट करना था, फिर मैं हेडफोन ढूंढ रही थी पागलों की तरह कि हेडफोन कहाँ है। फिर बाद में मुझे याद आया कि अरे वो तो डाक बंगला चौराहा पे उस दुकानदार के यहाँ छूट गया है, तो वही लेने जा रही हूँ। आई होप उन लोगों ने हेडफोन रखा हो, वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं ना, तो कोई लेके ना चला गया हो, मुझे इसका भी डाउट है। और मैंने सुबह में फ़ोन किया था दुकानदार को, तो उन्होंने बोला कि मैडम हम ढूँढ रहे हैं, मिलेगा तो दे देंगे आपको। सारे ऑटो फुल आ रहे हैं, कोई ऑटो रुक भी नहीं रहा है। डाक बंगला चौराहा फाइनली मिला एक ऑटो, शिफ्ट हो ये ना जी। चलिए डर लग रहा है, मे भी मिलेगा मिलेगा नहीं भी मिलेगा। और ये जो गिफ्ट है ना, आंसू की तरफ से मिला है, तो डर तो लगेगा ना। और बस पहुंच ही गई हूँ, थोड़ा सा ट्रैफिक है इसके आगे ही है, देखते हैं बस माता रानी की दया हो, मिल जाए बस उतना ही चाहिए। फाइनली दोस्तों हेडफोन मिल गया, और यहाँ के लोग बड़े ईमानदार हैं, संभाल के रखा था। और मेरा नंबर नहीं था इनके पास, इसीलिए इन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया। ये लोग थोड़े से कंफ्यूज थे, इन्हें लगा कि किसी और का होगा, इसलिए इन लोगों ने ग्रुप में मैसेज छोड़ा था कि किसी का हेडफोन छूटा हो तो आके ले जाए, बट कोई लेने नहीं आया क्योंकि छूटा तो मेरा था ना, और मैं ग्रुप में थी नहीं। तो चलिए मिल गया, अभी मेरे जान को जान आई। और ये मेरे पति ने गिफ्ट किया है ना, तो ऐसे कैसे कहाँ छोड़ दूँगी मैं। और अभी घर निकल रही हूँ दोस्तों, बिना मेकअप का मैं जब घूमती हूँ ना ठंडी में, तो मैं भूतनी लगती हूँ। देखो कितनी गोरी गोरी सी दिख रही हूँ मैं, कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा गोरी लगती हूँ, ये ठीक नहीं है भगवान। दोस्तों यहाँ पर भी ऑटो नहीं मिल रहा था, मैं बहुत टाइम से ऑटो ऑटो चिल्ला रही थी, पता नहीं क्यों इस रूट से ना कोई जाना ही नहीं चाहता। मैंने अपने पति को फ़ोन किया, मेरे पति का ऑफिस बगल में है, तो उन्होंने मुझे एक काम दे दिया है, तो मुझे वो भी करना है। अभी बोल रहे हैं कि बाहर निकली हो तो उसको भी कर लो, तुम आई क्यों, तुम मुझे फ़ोन कर देती मैं हेडफोन ले लेता। मैंने बोला हाँ बात तो सही है, क्योंकि ये जो दुकान है और जो मेरे पति का ऑफिस है एकदम पास में है, बट ये चीज़ मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया बताओ। 15 रुपये आने का किराया, 15 रुपये जाने का किराया, मैंने 30 रुपये बर्बाद किए। अगर पति को बोल दी होती तो ला देते ना, और 30 रुपये का मैं एग रोल खा लेती। कभी कभी दिमाग काम नहीं करता ना, क्या करें, आजकल ज़्यादा लोड है ना पढ़ाई का, इसीलिए। अभी हूँ मैं पटना म्यूजियम के सामने, ये देखिए मुझे जाना था बोरिंग रोड चौराहा, बट मैं यहीं पर उतर गई। मैंने बोला ऑटो वाले को, भैया मुझे यहीं छोड़ दो, मुझे हड़ताली मोड़ जाना है, एक काम है, और यहाँ से हड़ताली मोड़ पास में है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सीधे चली जाऊँ। और अगर बोरिंग रोड से जाती तो मुझे चौराहा से ऑटो लेकर हड़ताली मोड़ पहुँचना पड़ता, तो ये पास में पड़ेगा, पैदल ही चल के जा सकती हूँ। ऑटो तो मिलेगा, 5 रुपये में छोड़ देगा, बट थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए। और मैं म्यूजियम जा चुकी हूँ, म्यूजियम का ब्लॉग बना चुकी हूँ, बट ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये मुंबई छूट गया है, मतलब मेरे भाई के लैपटॉप में मैंने यहाँ के सारे वीडियोज़ डाल के और मैं पटना चली आई, तो इसलिए वहाँ पड़ा है। मैं मुंबई जब भी जाऊँगी ये वीडियो लूँगी, मतलब इस म्यूजियम का वीडियो लूँगी, एडिट करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर मुझे जाने में समय लगेगा मुंबई, तो एक भी जाके मैं इसको दोबारा एक्सप्लोर कर दूंगी, उसमें क्या है, अच्छा म्यूजियम है। फाइनली दोस्तों मैं उस जगह पे पहुंच गई हूँ जहाँ मुझे आना था, और इधर मेट्रो का काम चल रहा है, और हड़ताली मोड़ वहाँ सामने है, उधर से घूम के इधर आई। इधर मछली मार्केट है, तो मुझे यहाँ से मछली ख़रीदना है, इसीलिए आई हूँ, मछली लेके यहाँ से निकलते हैं। तो मछली ख़रीदा गया है, और जो मैंने मछली ख़रीदा है उसका नाम है बचवा, और मछली का ही नाम बचवा है। और एक मछली था रोहू, तो वो थोड़ा सा महंगा था, और रोहू में ज़्यादा कांटे भी होते हैं,
मेरे पति को थोड़ा सा दिक्कत होता है खाने में, तो इसलिए उन्होंने बोला कि देख लो जो तुमको अच्छा लगे ले लो। और मैंने बचवा खरीदा और इसका जो प्राइस लगा है 170 रुपये में दिया है, 160 रुपये के जी था। ये जो बचवा है 100 ग्राम ज़्यादा है इसलिए उसने 170 रुपये में दिया, और इसका प्राइस उसने बोला था 200 रुपये के जी, बट 40 रुपये कम किया। नमक चाहिए 1 kg टाटा वाला, और बिस्किट है टाइगर नहीं पार्ले जी ना। तो टाइगर में से दे दीजिए। टाइगर भी नहीं, मिल्क मैरीगोल्ड है, फिर मैरीगोल्ड है, बड़ा छोटा दोनों है, 10-10 वाला है जी। तो 2 दे दीजिए उसमें से, नमक हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, कॉफ़ी 2 जी। और ये होगा छाछ या लस्सी, देखना पड़ेगा। अच्छा देखिए ना, अगर हो तो दीजिए, और बस बैठते हैं। दोस्तों अभी आई थी अनुपम किराने का दुकान पे, यहाँ से मुझे सिर्फ नमक लेना था, लेकिन नमक के साथ साथ मैंने बहुत कुछ ले लिया, बिस्किट ले लिया, कॉफ़ी ले लिया, नमकीन ले लिया। और मैं इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि लेना एक रहता है, खरीदती बहुत ज़्यादा हूँ, मतलब मेरे पास पैसे रहना तो मैं उड़ा देती हूँ बस ऐसे ही। और अभी इवनिंग हो गया है, भाग के घर जा रही हूँ क्योंकि मछली बनाना पड़ेगा, मुझे ही बनाना पड़ेगा, और मुझे कोई खास आता नहीं है। देखते हैं अब जैसा भी बने, लिया है तो बनाना ही है। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल।